हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर के सोलंकी, आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। और प्लीज़ चैनल पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई साहब, ये थैंक यू का मैसेज तो कर ही देना, ठीक है। देखो जनरल साइंस के क्वेश्चन है, आपको मालूम है कि है ना, आप तो NTPC की भी अभी रिसेंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब उसका नोटिफिकेशन जारी करा है, उस पर जब डिस्कस कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यानी कि NTPC की भी भर्ती, यानी कि रेलवे कंजुकेटिव्स भर्तियाँ दे रहा है, और आपको उसमें साइंस का तो आपको मालूम है कि बहुत ही ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और रिपीटेटिव भी क्वेश्चन आएंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस अंडर गो प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई है ना इस जो ट्यूब में थोड़ा सा पार्टिकल्स बच्चे आते हैं वो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि लीड नाइट्रेट, जो उसके लिए लीड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस करेंगे, और ये पोटेशियम आयोडाइड है, और ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। और ये भी पूछा जाता है वो किस तरीके की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, ठीक है, पोटेशियम वो लीड नाइट्रेट और पोटेशियम के बीच में, फ्रॉम पोटेशियम नाइट्रेट एंड येल्लो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। और ये भी पूछा जाता है कि है ना ये जो प्रेसिपिटेट होता है वो किसका होता है, तो वो किसका होता है, लीड आयोडाइड का होता है। KNO3 ये है आप देख रहे हो, ये जो येलो येलो जो पार्ट है वो किसका है, लीड आयोडाइड का है, किसका, लीड आयोडाइड का है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बचेगा वो क्या बचेगा, लीड आयोडाइड, ठीक है, याद रखना, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा है, सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द क्रिएटिंग मोनोकल्चर्स, मोनोकल्चर्स आर मेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडवांटेजेस। देखो मोनोकल्चर एक्चुअल में होता क्या है, मतलब एक बोल सकते हैं द ग्रोइंग ए सिंगल क्रॉप, जैसे ग्रोइंग सिंगल क्रॉप पार्टिकुलर एरिया, यानी कि मोनो का मतलब क्या होता है, केवल एक ही टाइप का, जैसे हम कह लें मोनो यानी कि एक ही टाइप का, यानी कि एक सिंगल मतलब किसी विशेष क्षेत्र में केवल एक फसल का उत्पादन होने की स्थिति को क्या कहते हैं, मोनोकल्चर कहते हैं। तो हमारे पास क्या, ह्यूज एरिया एंड क्लियर ऑफ वेजिटेशन को बोलते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के, तो ऐसा तो नहीं है केवल एक ही होता है, ह्यूज एरिया चाहे कितना बड़े हो और क्लियर वेजिटेशन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोला, द डिस्ट्रॉय लार्ज अमाउंट ऑफ, डिस्ट्रॉय थोड़ी करेंगे तो बेसिकली गलत हो गया, इंडस्ट्रीज कैन बी एक्सेस स्पेडी बाय द प्रोडक्ट। बिल्कुल हो सकता है कि जैसे माने कि कोई इंडस्ट्री है वो केवल माना कि ग्लास प्रोडक्ट बना रही है, तो केवल स्पेसिफाई होगी ना, स्पेसिफाई प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, ठीक है, उस तो ये उसका मतलब मोनोकल्चर का एक उदाहरण, बिल्कुल सही है। दे जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऐसा थोड़ी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही उसकी डेफिनेशन है, नहीं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वेरिड नीड ऑफ लोकल पीपल आर नॉट मेट, वो कहने वेरिड नीड, जो वेराइड है और नीड्स ऑफ लोकल पीपल आर नॉट मेट, तो वो भी है उनकी जो नहीं मिलती है, तो वो क्या होगा, ये भी नहीं होगा आपका, यानी कि ये भी नहीं होगा। दे आर जनरेट रेवेन्यू फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाँ इसका भी मतलब ये है, सॉरी ये जो है डी वाला एग्जाम्पल जो है कि जैसे हमारे पास एक पार्टिकुलर एरिया जिस पर हम खेती कर रहे हैं तो उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा, बिल्कुल रेवेन्यू जनरेट होगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी कह लो तो ये होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, सी और डी इसका क्या हो जाएंगे, एडवांटेजेस होंगे, ठीक है। हमसे बोला है कि हा विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, RRB ग्रुप डी में भी पूछा है, ALP में ही पूछा है। तो हाईजेस्ट एफिनिटी जो होती है होमोग्लोबिन की होती है, याद रखना हाईजेस्ट जो एफिनिटी होती है वो होमोग्लोबिन की होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लूग्रीन्स, ये येलो सब्सटेंस होता है, जो ब्लूग्रीन्स की बात कर रहे हैं, जो येलो सब्सटेंस होता है, जब आपको मालूम है कि जब ये कोई सब्सटेंस क्रिएट होता है, व्हेन द बॉडी ब्रेक डाउन ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, इट मेटाबॉलिज्म हेमा बोलते हैं, आयरन कंटेनिंग कोऑर्डिनेट इज द कॉम्प्लेक्स, तो ब्लूग्रीन्स द फाउंड इन द बाइल जूस, जिसको बोला था ना, फ्लूड प्रोड्यूस द लीवर जो हेल्प करता है डाइजेस्ट को, ये हो गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन तो आपको मालूम है कि हाईजेस्ट ऑक्सीजन एफिनिटी होती है, हीमोग्लोबिन वेरिएंट आर एसोसिएटेड विद द एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, मतलब जो एसोसिएट्स होते हैं उसके वेरिएंट क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट। कंडीशन द कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज द रेड ब्लड सेल्स काउंट, दीज वेरिएंट्स आर ऑफन कॉज ऑफ द म्यूटेशन सिंगल ग्लोबिन जीन्स, इन सम केसेस हाई ऑक्सीजन एफिनिटी हीमोग्लोबिन द वेरिएंट कैन बी अनस्टेबल एंड लीड टू द हेमोलाइटिक प्रोसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल है आपको मालूम है कि राइट हैंड रूल जो जनरेटर के लिए यूज किया जाता है, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ आप देखो क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस डायरेक्शन सॉरी डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डायरेक्ट ऑफ द कंडक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस EMF तो वो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है, वो क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होती है, अपोजिट तो कभी होती नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंडर गिवन प्रोड्यूस होगा, देखो ये क्या हो गया हमारे पास बेस है, जे भी हमारे पास क्या है बीक एसिड है, तो जब एक एसिड और एक बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनाएंगे हमारे न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगी, तो ये क्या होगा, ये क्या बनेगा CH3CONA और यहां पर क्या बचेगा H2O क्या होगा आपका लिबरेट होगा ये, तो क्या होगा CH3CONA, यानी कि इसको जो रिप्लेस करेगा वो क्या करेगा आपका ये करेगा आपका H को रिप्लेस करेगा Na सोडियम और यहां पर क्या बचेगा H2O, ठीक है H2O, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत बार रिपीट हो चुकी है ये रिएक्शन भी, याद रखना बहुत बार भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब हमसे क्या देख रहे हैं, टेबल को थोड़ा ध्यान से देखना, ये बोला हमारे पास दो प्रोडक्ट दे दिए माने कि ए और बी कुछ भी दे दिया, बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अब आपको पता होने की बायोडिग्रेडेबल क्या होता है कि जो गल जाए एक तरीके से, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो गलते नहीं है, जैसे हमारे लीड तरीके से एलिमेंट होते हैं, पॉलीथीन होती है, प्लास्टिक एलिमेंट जो भी होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब क्या होते हैं, अब हम जो बोल सकते हैं, अब इसमें भी क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल में एक होते हैं रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल, अभी बोल सकते जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो सॉरी क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द सेल आयरन को प्लेस कहाँ रखेंगे, आपका क्या है आयरन है, आपको एक मेटल दे दिया आपको, अब आपको मालूम है कि आयरन कहीं भी है, आपका कील है कोई भी, आप मान लीजिए आप कोई भी एक नेडल है एक कील है कुछ भी मान लीजिए, आप लोहे की कील है ये, आप इमेजिन कर ले लोहे की कील है, ठीक है लोहे की कील है, तो आपको ये मालूम कि वो क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल तो यानी कि अपने आप गल जाएगी कभी नहीं गलेगी वो, तो पहली बात तो वो ये है ना नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगी। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल में भी क्या है रिसाइकलेबल भी है और नॉन रिसाइकलेबल है, अब आपसे पूछा है कि वो रिसाइकेबल कर सकते हैं नॉन रिसाइकलेबल, तो आपको मालूम है कि ये जो है सेल हम कहाँ रखेंगे ये रिसाइकलेबल है, क्योंकि लोहे को हम क्या करते हैं रिसाइकल कर सकते हैं तो उसको तोड़ के बना सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं अब इसको क्या रख रहे हैं सेल ए बी सी डी में। अब आपको देखो आपको मालूम है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पल बायोडिग्रेडेबल में भी क्या है रिसाइकेबल है कि नॉन, बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं नॉन रिसाइकेबल होते हैं, तो ये जो है हमारे क्या हो जाएगा आयरन क्या है मैंने रिसाइकल कर सकते हैं, आपको मालूम है कि सरियों को भी हम रिसाइकल कर सकते हैं मेल्ट करके उसको, तो ये क्या आएगा आपका सेल बी में, इसलिए उसको क्या रखा गया है रखा गया है, ठीक है क्योंकि रिसाइकेबल है, ठीक है उसको बारह यूज कर सकते हैं। ठीक है देखो अब ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कॉजेज द लीस्ट डैमेज ऑफ द एनवायरनमेंट, कौन सा है जो लीस्ट डैमेज करेगा, केमिकल पेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे, पेपर कप्स आपने देखा होगा जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं दुकानों पे, तो पेपर कप्स क्या है आपके क्या है लीस्ट डैमेज करेंगे, क्या करेंगे आपके लीस्ट डैमेज करेंगे, ठीक है पॉलीथीन बैग प्लास्टिक बैग तो आप वैसे समझ सकते हो काफी ज्यादा हानिकारक है, कोई इसको गैया खा लेती है तो परेशान होने लगते हैं, ठीक है तो इस तरीके के प्रोडक्ट है। ठीक है हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर द सॉल्यूशन विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑयन, अब आपसे बोल दिया कि जिनके कोई एक सॉल्यूशन है जिसके पास क्या है हायर कंसंट्रेशन ऑफ क्या है आपका OH का सॉल्यूशन है, अब आपको मालूम है कि जिसके पावर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होती है H प्लस आयंस की ज्यादा होती है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास एसिडिक होंगे, वो काफी ज्यादा एसिडिक, और ये क्या हो जाएगा जिसकी OH की आयंस ज्यादा है तो कहने का मतलब क्या है कि उसका क्या हो जाएगा आपकी बेस की पावर क्या हो जाएगी ज्यादा होगी, यानी कि बेस उसका हाई होगा, हम बोलते हैं सॉल्यूशन इज बेसिक, ये तो बोल सकते हैं एसिडिक को हटा दे सकते हैं एसिडिक को दें, सॉल्यूशन अब बेसिक है तो बेसिक के पास क्या होगा हाई पावर, यानी कि उसकी पीएच क्या हो जाएगी उसकी हाई होगी पावर ऑफ हाइड्रोजन, अब जिसके पास अब बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन बेसिक है लो पीएच, अगर भैया लो पीएच हो गया तो भैया वो एसिडिक नहीं हो जाएगा, अब ये समझो ना कि इसका हाई पीएच वैल्यू होगी ना, हाई पीएच वैल्यू का मतलब क्या है जैसे कोई 7 है हम क्या बोले 6 5 4 3 2 1 जो हमारी पीएच स्केल चलती है, फिर इसके बाद क्या है 8 9 10 11 12 13 14 है, अब उसकी क्या होगी जिसके पास OH आयंस है यहाँ तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा सबसे ज्यादा हो गया, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम है यानी कि अब हम बोलेंगे पीएच कम है तो वो क्या है मोर एसिडिक है, और जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा है अब वो बोल रहा है कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा है OH उसकी वजह कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, यानी कि 7 से तो बिल्कुल ज्यादा होगी, तो हम अगर जिसके पास अगर इसमें बोला है कि बेसिक है लो पीएच, भैया लो पीएच हो गया तो भैया वो एसिडिक हो जाएगा बेसिक नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे कि हाई पीएच वैल्यू होगी उसकी हाई पीएच वैल्यू होगी बिल्कुल होगी सही बात है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा आपको मालूम है कि वॉशिंग सोडा का आपका फॉर्मूला क्या है, Na2। देखो अब Na2CO2 तो लेगा, 10H2 अभी हो सकता था, 10H2 तब हमारा पूरा एक वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बनता, Na2CO3 10H2, ठीक है, इसलिए वॉशिंग सोडा नहीं। वॉशिंग सोडा यूज कीजिए प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, NCERT उठा के देख लेना, प्लास और सोप इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, तो बिल्कुल सही है। डी कलराइजिंग एजेंट बिल्कुल नहीं होता। सोडा वाटर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ H2NCl, नहीं, सोडा वाटर यूज नहीं होता है भैया H2SCl के प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 10H2O, तो हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता। हमसे बोला है आपके पास के ए रे ऑफ व्हाइट लाइट एट इंसिडेंट रिफ्रेक्टेड सरफेस ए बी ऑफ ग्लास प्रिज्म इमर्स आउट ऑफ द रिफ्रेक्टिंग सरफेस एजी कंसिडर द फिल्म। आपको मालूम है कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएंगे, आर से लेकर आपको मालूम बीबी की ओर तक ये हमारी कलर चलेंगे, ठीक है, वॉलेट तक, ठीक है, आरबी, तो हमारी क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट की जो क्या स्कैटरिंग जो लाइट्स हमारी आएंगी। अब बोला था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी, ए बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर ऑफ वाइट, सही बात है, जिसकी ज्यादा जैसे रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, फिर उसकी कम है, तो ये क्या होएगा कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही बात है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, बिल्कुल सही बात है। अभी क्या बोलता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सर्फेस ए सी और डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर, वो सही बात है, जिसकी जो कलर के हिसाब से भी बिल्कुल डिफरेंट होगा, बीच ऑफ द, तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या होंगे आपके, करेक्ट हो जाएंगे। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ए बी इज डिफरेंट कलर और ये भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, सेम तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट द कॉनकेव ऑफ द कॉनकेव मिरर। आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर के 6 केसेस बता चुका हूं, फिर भी बता देता हूं। गिव रियल इन्वर्टेड एंड इमेज एट इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे इमेज चाहिए तो भैया फोकस पे ही रखना पड़ेगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि आपको ये मालूम कहीं भी है ना, आप कोई भी दो रेस निकाल लो कहीं से जाएगी तो ये क्या होगी इन्फिनिटी पे मिलेगी, तो ये क्या होगी, अब ये कभी मिलेंगी नहीं, तो वो क्या होगी इन्फिनिटी, कभी ये लाइन मिलेंगी, दो रेस आप निकाल के देखो तो ऑब्जेक्ट जब भी फोकस पर रखते हैं, फोकस पर रखते हैं तो हमको क्या मिलती है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेज मिलते हैं। देखो पोल एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो आपको बैंड द मिरर मिलेगी, इरेक्ट एंड वर्चुअल और मैग्नीफाइड मिलेगी। इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी में फोकस पर रखेंगे तो हमको इन्फिनिटी मिलेगी, रियल और इन्वर्टेड मिलती है। देखो इमेजनरी वाला तो एक ही केस बनता है, खैर वो होता भी नहीं है जी। और एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज इमेज बनती है, जैसे हमने सेंटर ऑफ सी पे रखा ना तो वो क्या बनेगी, सेम साइज इमेज बनेगी, ठीक है, एज अ सेम साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी तरीके, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्वर्टेड मिलेगी और क्या बनेगी, ये बनेगी, फोकस पर तो वेरी लार्ज बनती है, ठीक है। हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से करेक्ट, ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिटेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। देखो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई और एक्स एक्स, जब एक्स वाई जब होगा तो आपका क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, ठीक है, बॉय हो जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, बॉय, ये क्या हो जाएगा, हमारे गर्ल है, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, यानी कि ऑल चिल्ड्रन इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम से देयर मदर, बिल्कुल सही बात है भैया, एक्स तो मिलेगा ही ना, चाहे बॉय होते हैं गर्ल्स हो, बिल्कुल सही बात है। ए चाइल्ड हु इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर विल बी गर्ल, अगर वो कह रहा है कि एक कोई चाइल्ड है एक्स क्रोमोसोम लेके आ रहा है, इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर देयर विल बी गर्ल, बिल्कुल हो सकती है, एक्स लेके आ रहा है, एक्स हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, विल बी गर्ल। ए चाइल्ड हु इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम, नहीं सॉरी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि है ना, देखो एक्स है तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं आपके, दो केसेस क्या हो जाएंगे आपके, अगर वो इनहेरिट करके आ ली एक्स लेके आ ली, या तो आपका वो बॉय भी हो सकता है या एक्स है, तो उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि ए चाइल्ड हु इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम्स फ्रॉम मदर विल बी गर्ल, नहीं, अगर ऐसा थोड़ी है कि मदर हो, वो सॉरी गर्ल होगी, ऐसा नहीं हो सकते हैं, एक्स लेकर अगर बॉय भी तो हो सकता है, ऐसे बोली कि श्योर वो गर्ल होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ए वूमेन है परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, बोथ आर एक्स, बोथ आर एक्स, अब वो क्या बोला है हमसे पास क्या बोला है, एक अगर ए वूमेन है परफेक्ट पेयर, वूमेन के पास क्या होगा, परफेक्ट पेयर है, यानी कि वो गर्ल ही बोल सकती हो, ए वूमेन है परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स, यानी कि एक्स है, तो बोथ, बोथ आर कॉल्ड, बोथ आर कॉल्ड उसको हम क्या कहेंगे, एक्स, अगर ये तो क्या हमारे पास एक्स वूमेन बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ए चाइल्ड हु इनहेरिटेंस बाय, अब वो कह रहा है कि एक बच्चा है इनहेरिटेंस बाय क्रोमोसोम्स लेके आया है फ्रॉम हिज फादर, देयर विल बी द बॉय, तो अब देखो वाई क्या, अगर वो वाई लेके आ रहा है तो एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास इनहेरिटेंस होता ही है, तो जब एक्स और वाई हो जाएगा तो वो क्या होगा, आपका बॉय होगा, ये है,
ठीक है, क्योंकि एक्स तो उसको दोनों में कॉमन कॉमन मिलना ही, अगर वो बाई लेके आ रहा है तो भाई एक्स बाई हो जाएगा तो वो बॉय हो जाएगा, अगर वो एक्स लेके आ रहा है और बोल सकते हैं देर बी गर्ल नहीं, अगर वो बाई भी हो सकता है फिर वो हमारे पास एक्स है, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है कॉमन है एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा ए सी और डी दो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट ऑर्डर होगा या करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, हमसे बोलता है हीट प्रोड्यूस है, ठीक है, एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है ये होता है आई की वैल्यू हमारे पास क्या है करंट, ठीक है करंट हमारे पास 5 एम्पियर का तो होगा 25, आर हमारे पास क्या हो गया 100, टाइम क्या हो गया 15 मिनट है, 15 मिनट इंटू 60 से हम ये कर लेंगे, कर लो भैया ये क्या हो जाएगा 15 छक्के 90 हो गया, 15 छक्के 90 हमारे पास कितनी जीरो हो गई 900 तो ये हो गया हमारे 15 छक्के 90 दो जीरो ये हो गई, ठीक है 1 2 3 4 जीरो होगी 25 × 90 225 होता है ये, ठीक है हमारे पास क्या हो गया 225 और हमारे पास क्या हो गया 10 की पावर 4 हो गया। अब देखो ये क्या होता है ऑप्शंस में लिखने के लिए कैसे लिख देते हैं, अगर मैं इसको ये भी लिखूं तो क्या है, अगर मैं पॉइंट में 20 लिख दूं और 10^6 लिख दूं तब भी तो बात बराबर होगी जूल में, हुई कि नहीं होगी, बेवकूफ बनाने के लिए कर दिया ये काम पूरा सा। अगर मैं इसको 20 को यहाँ से हटाऊंगा तो 2 4 कटेंगे तो मेरे पास 4 फिर बचेगा, तो क्या होता है वे ऑफ राइटिंग है, इसको क्या है वे ऑफ राइटिंग बोल सकते हैं। ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आ गई भाई साहब इसमें, अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, चलो इसको कर ही लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या होते हैं सम ऑफ रूट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है इनका सम कर लो 1/√2 + 1/√2, ठीक है क्या हो गया रूट टू, और ये क्या हो जाएगा 1+1 तो ये क्या आएगा 2√2, ठीक है और ये क्या आएगा √2 × √2 और ये क्या आएगा √2 तो ये क्या कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या आएगा x² माइनस का आएगा √2 √2x, ठीक है √2x हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा अल्फा बीटा 1/√2 × 1/√2 तो ये क्या आएगा 1/2 हो जाएगा यानी कि 1/2x हो जाएगा, ठीक है तो ये क्या आएगा 2x² माइनस का 2√2x और ये तो बस हमारे पास बनी बचा, ये क्या होगा हमारे ये x नहीं होगा भाई सर, यहाँ x नहीं होगा ये हो जाएगा, ठीक है ये मैथ में भी हम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था ये। हमसे बोला है सेकंड ग्रुप एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल आज नोन एज, देखो ये क्या होता है अल्कली अर्थ मेटल ये क्या होते हैं हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई साहब, आरआरबी में पूछा गया है, एएलपी में पूछा गया है और जो जेई में पूछा गया था, आरआरबी जेई में पूछा गया था याद रखना, ठीक है ये क्या होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, इसको क्या अल्कली मेटल बोलते हैं, ये पहले वाले को बोलते हैं हाइड्रोजन से, और ये भी पूछा जाता है देखो पीरियडिक टेबल में इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे 2 एलिमेंट मिलेंगे, इससे क्या हो जाएंगे अगर इस वाले ऐसे पीरियड में आएंगे 1 2 और ये क्या हो गए 1 2 3 4 5 6 6 2 8 फिर मिलाएंगे 2 8 इस तरीके से, और ये क्या होती है हमारी इनकम्प्लीट होती है 2 8 8 फिर हमारे पास क्या 18 फिर 18 फिर 32 फिर ये होता है ये हमारा जो 7th वाले पीरियड है वो क्या है हमारा इनकम्प्लीट, इसको क्या बोलते हैं हम इनकम्प्लीट, याद रखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो इस तरीके से याद कर लो अल्कली, ये क्या है पहली वाली अल्कली मेटल है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है अर्थ बहुत बार पूछेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से मेटल है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रो इस तरीके से याद रख लो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन सी है, अल्कली मेटल में हाइड्रोजन हमारे पास क्या है ये पूछा जाता है सेकेंड ग्रुप में, ठीक है Which of the following is correct respect to the alkane? Alkane क्या होते हैं हमारे सैचुरेटेड होते हैं, याद रख लो अल्केन हमारे क्या होते हैं पहली बात तो अल्केन जब भी आए सैचुरेट होते हैं, क्लीन फ्यूल देते हैं जब भी ये जलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन 1 और हाँ जब भी देखो क्या होता है अगर हमारे पास ये क्या है सिंगल बॉन्ड है तो हमारे क्या है ये सैचुरेटेड है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होते हैं हमारे अनसेचुरेटेड होते हैं, ये हमारे क्या अनसेचुरेटेड होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेंट 1 or more सिंगल बॉन्ड्स क्या होते हैं 1 or more सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। इफ सेफ सेक्स द ओनली मेथड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, अगर वो कह रहे कि हमने अगर सेफ सेक्स कर रहे हैं तो क्या मेथड हो सकता है एचआईवी को प्रिवेंटेशन करने का, सेफ सेक्स यानी कंडोम वगैरह उसको हटा दो, अब देख क्या करते हैं अब देयर आर द अदर मेथड लाइक प्रिवेंटिंग इन्फेक्टेड नीडल्स यूज नहीं करना है,
ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड, उसको ब्लड को नहीं चढ़ा देना है। यस इट इज द ओनली मेथड टू यूज द कंडोम, नहीं करना है, इसलिए सेफ सेक्स ऑलरेडी बोल दिया है, इज सेफ सेक्स द ओनली मेथड। ठीक है, क्या केवल वही मेथड है कि सेफ सेक्स करने से ही HIV को प्रिवेंट कर सकता है? नहीं, उसके अलावा और सारे भी मेथड होता, क्योंकि मालूम कि इन्फेक्टेड जो निडल वगैरह यूज करते वो भी तो एक प्रिवेंशन करने के लिए हमें जरूरत है। ठीक है, ये हो गया। हमसे बोला है एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एनारोबिक, देखो एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन बोला है, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट सेल कन्वर्ट प्यूरेटिक एसिड इनटू, देखो प्यूरेटिक एसिड में क्या होता है, एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी तो आपका क्या होगा, इथोनल जो होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो इथोनल जो आप प्यूरेटिक एसिड कैस किस में करें, इथोनल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, विच व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर प्रोसेस, तो आपका ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट क्या करेंसी सेल बोलते हैं, एक्चुअल में यही याद रख लो, करेंसी सेल इसको बोलते हैं ATP को। ठीक है, सेलुलर प्रोसेस में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द नॉन मेटल इज ट्रू, नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन इट फ्रॉम द सिंग लूजिंग ऑफ, भैया नॉन मेटल तो भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रोनेटिव नेचर फॉर्म बॉन्ड आर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गेनिंग करेंगे। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर फॉर्म दे द गेनिंग, भैया गेनिंग करेंगे, ये क्या बोल रहा है इसमें, और इसमें क्या बोलता है, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नहीं होंगे भाई साहब, वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होंगे। नॉन मेटल हमारे क्या होंगे, मेटल क्या होते हैं, मेटल हमारे अगर ये होता है, मेटल आर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होते हैं, लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगी, मेटल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर एंड बॉन्ड फॉर्म आर द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब बॉन्ड किसको फॉर्म करते हैं, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कर सकते हैं। नॉन मेटल आर द इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, भैया लूजिंग नहीं करेंगे तभी तो वो नॉन मेटल है। और याद रखना पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपको क्या बोलेगा, आपका क्या होगा, मेटलिक कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज होगा। हाई ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड द हाइपरटेंशन व्हिच इज द कॉज ड्यू टू द, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एरिट्रल्स, जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारी जो धमनियां हैं आर्टेरियोल्स में होता है, उसके कारण होता है। ठीक है, हाइपरटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द कोल, तो आपको मैंने कोक जो है, कोक क्या है आपका, देखो टार क्या होता है, कोल टार तो आपको जिसमें जो सड़क बनती है, कोक जो यानी कि जो बनता है कि ब्लैक सब्सटेंस है और पोरस है, टफ जैसा होता है, तो उसको बोलते हैं कोक, कोक होता है उसका। ठीक है, वॉट इज द मेन प्रोडक्ट वेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, रिएक्ट कराएंगे हम वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, मतलब सैकलेट लाइम बनेगा, कैसे बनेगा, CO, ये सैकलेट लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं सैकलेट लाइम, ये क्या बनेगा आपका, सैकलेट लाइम बनेगा, क्या बनेगा आपका, सैकलेट लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, क्या बनेगा आपका, सैकलेट लाइम, क्या बनेगा आपका, सैकलेट लाइम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार मैं क्या बताऊं, RRBJEE में ही पूछा गया है, ग्रुप डी में ही पूछा गया है, सैकलेट लाइम को बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हमसे पूछा है एक इलेक्ट्रिक बल्ब है कनेक्टेड है 240 वोल्ट से, सोर्स है करंट फ्लोइंग द लैंप इज 0.5 पावर, तो पावर क्या होगी। ठीक है, देखो तो पावर बराबर क्या होता है, V × I भी लिख सकते हैं, तो पावर मतलब I हमारे पास क्या है 0.25 है, वोल्टेज हमारे पास क्या है 240 है, ये क्या गया जीरो। ठीक है, ये हो गया 25 × 24, 25 × 100, 25 × 50 600, अच्छा दो जीरो है ना जी, दो जीरो है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये जो है इसका क्या हो जाएगा 600, यानी कि 60 हो रहा होगा, एक जीरो कट जाएगी ना, तो 60 वोल्ट हमारा आ गया। मैंने क्या एक ही जीरो लिखी, तो दो जीरो आएंगे ना यहाँ पर, ठीक है तो दो जीरो हो जाएंगे, ठीक है तो दो जीरो हो जाएंगे, तो एक कटेगा, तो हमारे पास क्या आएगा 60 वोल्ट हो गया। तो पावर बराबर क्या होता है, V × I लगाया हमने, बस यही कराया हमने, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें भाई साहब, जिससे मैं और आगे से और साइंस के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपकी समझ प्रस्तुत करने के लिए सक्षम हो सकूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।